हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना बांदा में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग इस समय फिजिक्स में पढ़ रहे हैं वेव्स एंड एकॉस्टिक, और आज उसका है फर्स्ट सी पार्ट यानी कि चौथा लेक्चर। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स। तो पहले रिफ्लेक्शन देखेंगे, उसके बाद हम लोग ट्रांसमिशन देखेंगे। रिफ्लेक्शन भी दो तरीके का मिलने वाला है, ठीक है ना। तो पहले हम ये जान लेते हैं बेसिक जो प्रॉपर्टीज होती हैं किसी वेव्स की। जैसे आप लोग जानते हैं कि वाई बराबर क्या था, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्लियर है। तो जैसे फ्रिक्वेंसी हो गई, वेवलेंथ हो गई, स्पीड हो गई, इन सब पैरामीटर्स में रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, पहले एक हम उसके बारे में बेसिक जानकारी ले लेते हैं। फिर पहले रिफ्लेक्शन देखेंगे, दो तरह का है, फिर ट्रांसमिशन देखेंगे, फिर उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, क्लियर है। तो चलिए एक बेसिक आपको आइडिया दे देते हैं कि ये सब कुछ चीज़ें जो हैं, जैसे फ्रिक्वेंसी वेलोसिटी के बारे में आप लोगों ने ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन को वहाँ पर हम लोग क्या कह देते हैं, रिफ्रैक्शन, ठीक है ना, अपवर्तन और परावर्तन, क्लियर है। तो थोड़ा सा देखिए जान लेते हैं इसके बारे में कि क्या क्वांटिटीज चेंज होने वाली हैं, क्या क्वांटिटीज चेंज नहीं होने वाली हैं, ठीक है ना। तो एक तरफ आप लिखेंगे क्या, प्रॉपर्टी, एक तरफ आप क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी एक तरफ लिखेंगे और एक तरफ लिखेंगे ट्रांसमिशन, ठीक है। चलिए तो पहली प्रॉपर्टी है हमारी वेलोसिटी ऑफ वेव, क्या होता है, v बराबर एफ लैम्डा। जो वेलोसिटी ऑफ वेव होती है वो डिपेंड करती है किस पर, मीडियम पर, ठीक है ना, किस पर डिपेंड करती है, मीडियम पर। रिफ्लेक्शन आप जानते हैं क्या होता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन अगर जो आपकी वेव है उसी मीडियम में वापस आ जाए तो रिफ्लेक्शन है, अगर दूसरे मीडियम में चली जाए तो ट्रांसमिशन है। आप लिख सकते हैं इफ वेव कोलाइड्स विद बाउंड्री एंड कम्स बैक इन सेम मीडियम, ठीक है ना, इफ वेव कोलाइड्स विद बाउंड्री एंड कम्स बैक टू द सेम मीडियम देन इट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। और दूसरा क्या है, इफ वेव ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन मीडियम टू another medium then it is known as transmission, ठीक है ना। तो reflection में हुआ क्या कि medium same रहेगा, जिस medium से गई उसी में वापस आ गई तो velocity क्या रहने वाली है, same। transmission में दूसरे medium में गई तो velocity क्या हो जाएगी, change हो जाएगी, बात clear है। दूसरा क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी किसी भी मीडियम पर डिपेंड नहीं करती है, चाहे रिफ्लेक्शन हो, रिफ्रैक्शन, ट्रांसमिशन कुछ भी हो रहा हो, फ्रीक्वेंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर क्या है आपका, वेवलेंथ, वेवलेंथ, वेवलेंथ रिफ्लेक्शन में क्या रहती है, सेम, और इसमें क्या हो जाती है, चेंज। उसका कारण क्या है कि वेवलेंथ जो है वो आपकी वेलोसिटी पर डिपेंड रहती है, वेलोसिटी मीडियम चेंज होने पर चेंज होती है तो वेवलेंथ भी मीडियम चेंज होने पर चेंज हो जाती है, ठीक है ना। चलिए फिर जो मेन आपका है वो क्या है, फेज डिफरेंस फाई। देखिए इसमें तो फेज डिफरेंस जीरो रहने वाला है, इसमें दो कंडीशन आएंगी, पहला इफ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम
बाउंड्री ऑफ डेंसर मीडियम, देन पाई का फेज चेंज, फेज डिफरेंस, इफ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम बाउंड्री ऑफ रेयरर मीडियम, तो जो फेज डिफरेंस है वो जीरो। नीचे तक दिख रहा है सबको? ठीक है, क्लियर है। तो अगर डेंसर मीडियम की बाउंड्री से, डेंसर बाउंड्री से रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए एयर से वेव जा रही है और दीवाल से टकरा गई, तो दीवाल एयर के रिस्पेक्ट में क्या है, डेंसर है, तो फेस चेंज कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। कैसे होगा अभी देखेंगे, ठीक है ना। तो ये आपने देख लिया। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, अब देखिए, अगर हम लोग को देखिए रिफ्लेक्शन दो तरीके से पढ़ना है, एक रिफ्लेक्शन फिक्स्ड एंड से, फिक्स्ड एंड का मतलब डेंसर मीडियम से, एक बार फ्री एंड से, फ्री एंड का मतलब रेयरर मीडियम से, ठीक है ना। यहां पर डेंसर और रेयरर को कहने का मतलब ये है कि डेंसर से जब देखेंगे तो उसको फिक्स्ड एंड बोल देते हैं, रेयर से जब देखते हैं तो उसको फ्री एंड बोल देते हैं। तो इसको आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग वन बाय वन करके दोनों को देखते हैं। चलिए, तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एंड, इसी को क्या कह सकते हैं, रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम। क्लियर है? तो देखिए, एक एंड को फिक्स कर देते हैं, जैसे ये मान लीजिए आपका एंड है, क्या है ये, फिक्स्ड एंड, अरे मतलब दीवार से बांध दिया, किसी से भी कर दिया, क्या है ये, डेंसर, ठीक है। अब आपने एक रोप ली हुई है, स्ट्रिंग ली हुई है, और आपने वेव जनरेट की, आपने वेव जनरेट की, मान लीजिए एक पल्स की अगर मैं बात करूं तो ये पल्स ऐसे चली गई, क्लियर है। इसका एम्पलीट्यूड मान लीजिए कितना है ए, वेलोसिटी इसकी कितनी है वी, क्लियर है बात। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे समझ से आपको। कहां जा रही है ये, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है ना, कहां जा रही है ये, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो इसका मैं क्या लिख सकता हूं, अगर वाई लिखना चाहूं तो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स हो जाएगा ना। देखिए, जब पॉजिटिव में जाती है तो क्या हो जाता है, इनका साइन डिफरेंट, यानी कि ये ओमेगा टी है तो ये माइनस के एक्स। अच्छा, अब क्या होगा, डेंसर से जब रिफ्लेक्ट होती है तो क्या आता है, पाई का फेस चेंज, तो पाई का जो फेस चेंज आएगा क्या वो इसको ऐसा कर देगा, एम्पलीट्यूड अभी भी ए है, वेलोसिटी अभी भी वी है क्योंकि मीडियम सेम है, लेकिन ये फेस क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। तो देखिए, इसको आप दो तरीके से लिख सकते हैं, इसको आप दो तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, पहला तो क्या है, y बराबर a साइन ओमेगा t, अब ये कहाँ जा रही है, माइनस में, तो ये प्लस kx और प्लस पाई का फेस चेंज, और ये साइन 180 प्लस थीटा क्या हो जाता है, माइनस का a साइन ओमेगा t प्लस kx, ठीक है ना। तो अब आप सीधे सीधे ये याद रख सकते हैं कि भैया रिवर्स जा रही है तो माइनस लगा दिया, और ये माइनस kx का प्लस kx हो गया। ये अगर नहीं जानना है तो पाई लगाकर उसको चेंज कर लीजिए, बात वही है, ठीक है ना। तो ये क्या है आपकी वाई इंसिडेंट, और ये क्या है वाई रिफ्लेक्टेड, बात क्लियर है, वाई इंसिडेंट है ये, और क्या है ये वाई रिफ्लेक्टेड, क्लियर है। कितने का फेस चेंज आया है, पाई का, क्लियर है ना बात। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे समझ से। अच्छा, अब देख लेते हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड, रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड देख लेते हैं। चलिए,
तो यहां देख लेते हैं, क्लियर है? चलिए तो देखिए फ्री एंड में होता क्या है कि यहां पर एक रिंग बना देते हैं। ये क्या है? एक रिंग, ठीक है ना? कौन सी रिंग है? ये हॉलो रिंग। ये क्या हो जाता है आपका? फ्री एंड, या इसी को बोल देते हैं रेरर मीडियम या रेरर बाउंड्री। तो अब देखिए क्या होने वाला है। अब अगर यहां से वेव आई, तो ये वेव जब जाएगी यहां से, तो ये वेव अब इस बार क्या होगा, नीचे को ना जाकर कैसे जाएगी, ऊपर को ही जाएगी। बस इसकी वेलोसिटी अब रिवर्स हो चुकी है, एम्पलीट्यूड अभी भी ए है। पहले ये पॉजिटिव में जा रही थी, तो वाई इंसिडेंट क्या था? ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब क्या हो जाएगा? वाई आर बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। इस बार क्योंकि कहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है? रेरर बाउंड्री से, इसलिए कोई भी एडिशनल फेस चेंज नहीं आने वाला है। तो जैसे थी वैसे ही लौट आई रिवर्स डायरेक्शन में। क्लियर है ना बात? तो ये रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स एंड है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड है, ठीक है ना? तो ये रिफ्लेक्शन के आपने दोनों केसेस देख लिए, इसको नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं ट्रांसमिशन। चलिए तो अब ट्रांसमिशन देखिए होता क्या है कि देखिए यहाँ पर जब आप कह रहे हैं कि रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि कुछ ना कुछ ट्रांसमिशन ना हो रहा हो, लेकिन उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। इसी तरह जब ट्रांसमिशन होगा तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन वहाँ पर भी होगा, ठीक है ना? चलिए तो अब हम लोग को देखना है कि जब रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन दोनों हो रहे हो, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन दो ही केस बनेंगे फिर से। एक बार जब बीच का मीडियम कैसा हो, बाउंड्री कैसी हो आपकी, डेंसर, और एक बार रेरर, ठीक है ना? तो इसको क्या लिखेंगे? रेरर टू डेंसर, पहला वाला। क्लियर है? चलिए देखिए अब ये क्या है आपका, जैसे दीवार नहीं होगी अभी। अब जैसे मान लीजिए एयर है, एयर के बाद क्या आ गया? वाटर आ गया या कुछ भी आ गया, ठीक है ना? चलिए देखिए डेंसर मीडियम को आप हमेशा बोलेंगे क्या? फिक्स्ड एंड ही बोलेंगे। डेंसर को आप हमेशा क्या बोलेंगे? फिक्स्ड एंड। चलिए तो ये मैंने एक बना दिया फिक्स्ड एंड, यानी कि ये कैसा है? डेंसर। इधर का इलाका डेंसर है। चलिए अब ये वेव यहां से आई, इसकी स्पीड कितनी है? v1। इसका एम्पलीट्यूड कितना है? ए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे समझ से, ठीक है ना? अब होगा क्या, उसको नीचे बना लेते हैं, ठीक है ना? ये आपका क्या है? फिक्स्ड एंड यानी कि डेंसर। अच्छा अगर इसका आप इक्वेशन लिखना चाहें तो y इंसिडेंट क्या हो जाएगा? a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। क्लियर है? डेंसर से क्या होगा आप देखिए, कुछ रिफ्लेक्शन होगा, कुछ क्या होगा? ट्रांसमिशन होगा। तो ये जो कुछ था वो क्या हुआ? रिफ्लेक्शन डेंसर से हुआ है, इसलिए क्या आया है? पाई का फेस चेंज, क्योंकि मीडियम सेम है तो वेलोसिटी v1। जो ट्रांसमिशन हुआ वो कैसे हुआ? वेलोसिटी अब यहाँ क्या हो चुकी होगी? v2। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे समझ से आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। अच्छा एम्पलीट्यूड क्या अब ए रहेगा?
नहीं, ए नहीं रहेगा, कुछ एम्पलीट्यूड ये इस पर गया होगा, कुछ इस पर गया होगा, तो इसको मैंने मान लिया ए आर और इसको मैंने मान लिया ए टी। क्लियर है ना, इसको मैंने मान लिया ए आर, इसको मैंने मान लिया ए टी। तो अगर मैं इसका इक्वेशन लिखना चाहूँ वाई आर का, तो क्या होता था जानिए, माइनस ए आर साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, सही है ना। और इसका अगर लिखना चाहूँ वाई टी का, तो क्या हो जाएगा ए टी साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्लियर है ना, ए टी साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्योंकि उसका जो डायरेक्शन है वो वही डायरेक्शन है। अब देखिए होता क्या है कि ये जो ए आर और ए टी हैं इनके लिए फॉर्मूला है, ए आर और ए टी के लिए फॉर्मूला है। क्लियर है ना, इसको आप ए की जगह आप चाहें तो ए इंसिडेंट भी कह सकते हैं, तो और अच्छा लगने लगेगा। क्लियर है, फॉर्मूला है क्या है, ए आर मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव। ये क्या होता है भैया, वी टू माइनस वी वन अपॉन वी वन प्लस वी टू इंटू ए आई। ये क्या होता है, टू वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू ए आई। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, ठीक है ना, टू वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू, और वो क्या है वी टू माइनस वी वन और डिवाइड बाई वी वन प्लस वी टू। क्लियर है, यहाँ तक मेरे समझ से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अच्छा देखिए, जब रिफ्लेक्ट, जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है, आपको इंसिडेंट वेव का क्या दे देगा, इक्वेशन दे देगा, आपसे कहेगा रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव की इक्वेशन लिखिए। क्लियर है, तो देखिए यहाँ पर दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि देखिए ना तो इसमें वेवलेंथ चेंज होनी है, ना ही इसमें कुछ और भी चेंज होना है, केवल ए आर आप निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब ए आर निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, वी टू चाहिए, ठीक है ना, वी टू मतलब इधर की वेलोसिटी। तो देखिए कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे करेंगे उसको अभी देखते हैं हम लोग, इसको नोट कर लीजिए तब तक आप लोग, फिर हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, तो चलिए चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। एक आपको इक्वेशन दी है किसकी, इंसिडेंट वेव की। चलिए तो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, इफ वाई आई बराबर थ्री साइन टू एक्स माइनस फोर टी, और आपको दिया है म्यू टू बराबर फोर म्यू वन, देन फाइंड वाई आर एंड वाई टी, वाई आर एंड वाई टी। ये म्यू टू और म्यू वन क्या है जान रहे हैं ना, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब समझो जरा साहब, म्यू टू चार गुना है म्यू वन का, मतलब जो बाद वाला मीडियम है वो क्या है, डेंसर है। जैसे इसको बनाने का तरीका क्या होता है, एक रोप बनाइए इस तरफ, ये आपकी कौन सी रोप है, पहले वाली, और जो बाद वाली रोप है वो कैसी है, थोड़ा मोटी, यानी कि उसका म्यू क्या है, भारी है, वो ज़्यादा है ऐसे, ठीक है ना। तो यानी कि अब जो यानी कि आपका रिफ्लेक्शन होने वाला है, ट्रांसमिशन होने वाला है, वो कहाँ से होने वाला है, डेंसर से, यानी कि ये क्या हो गया, फिक्स्ड एंड हो गया, यानी कि डेंसर हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, चलिए इंसिडेंट वेव मान लीजिए आई, ये ऐसे आई, क्लियर है। तो जब ट्रांसमिशन होगा तो ये कैसे जाएगी, ऐसे, और ये कैसे चली जाएगी, देखिए ये भारी है ना, तो भारी है तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होने वाला है, कम होने वाला है ऐसे, तो ये वाई आर और ये वाई
टी, क्लियर है? चलिए, तो और ये क्या है आपका, यहाँ वी वन होगा और यहाँ क्या होगा आपका ए आई। आपको देखिए लिखना क्या है, आपको लिखना है वाई आर और वाई टी। वाई आर आप जानते हैं ना क्या होता था, माइनस ए आर साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, क्लियर है? वाई टी क्या होता है, ए टी साइन ओमेगा टी। अब देखिए वेवलेंथ चेंज होगी तो के भी चेंज होगा, के क्या होता है 2 पाई बाई लैम्डा, ठीक है ना? तो यहाँ का क्या है, मान लीजिए के वन है और तो यहाँ का क्या होगा के टू एक्स, क्लियर है? चलिए, तो अपना जो टारगेट है, टारगेट ये है कि ए आर मिल जाए, ए टी मिल जाए और के टू मिल जाए, अगर ये मिल गया तो काम हो जाएगा। तो चलिए बारी बारी से निकालते हैं सब सॉल्यूशन। वाई आई आपको दिया हुआ है 3 साइन 2x माइनस 40, ठीक है ना? इसको कंपेयर करिए जरा, y बराबर a साइन ओमेगा, इसको वाई आई बराबर ए आई साइन ओमेगा टी माइनस के वन एक्स से, क्लियर है? तो यहाँ से ए आई आपको मिल गया कितना 3, क्लियर है? और आपको क्या मिला, ओमेगा मिला कितना 2 और के वन कितना मिला 4, क्लियर है? तो यहाँ से अगर मैं कहूँ v1 निकालिए, तो आप जानते हैं v1 क्या होता है, v बराबर ओमेगा बाई के, ओमेगा टी ओमेगा 4 है भैया, देखो जरा ओमेगा टी होता है ना, ओमेगा टी, ठीक है ना? यानी कि ऐसे है लिखा था ये के वन एक्स माइनस ओमेगा टी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओमेगा 4 है और के वन 2 है, तो ओमेगा बाई के, तो ओमेगा बाई के वन 4 बाई 2 कितना आ गया 2, वी वन 2 आ चुका है, वी वन क्या आ चुका है 2 आ चुका है। अच्छा, अगर मैं स्ट्रिंग की वेलोसिटी लिखना चाहूँ, तो स्ट्रिंग की वेलोसिटी अगर मैं लिखूँ तो वी बराबर आप जानते हैं क्या होता है, टी बाई म्यू। तो यहाँ से देखिए, अगर वी वन लिखना चाहूँ तो टी बाई म्यू वन, और वी टू लिखना चाहूँ तो टी बाई म्यू टू, डिवाइड कर दिया, टी से टी मर गया, तो वी वन बाई वी टू क्या आ गया, अंडर रूट म्यू टू बाई अंडर रूट म्यू वन, अंडर रूट म्यू टू कितना है भैया 4 म्यू वन, कहाँ गया, हाँ, और ये म्यू वन, म्यू वन से म्यू वन मर गया, कितना आ गया 2 आया। तो वी वन बटे वी टू बराबर 2, तो वी टू बराबर वी वन बटे 2, वी टू बराबर वी वन बटे 2 यानी कि 2 बटे 2 यानी कि 1। चलिए, तो V1 आपको कितना मिला 2, V2 कितना मिला 1, क्लियर है ना? V1 कितना मिला है 2, V2 कितना मिला है 1, AI आपके पास है कितना 3। चलिए, आधा काम हो गया, क्या निकाल लेंगे अब हम लोग, AR और AT। तो AR क्या होता है, V2 माइनस V1, V1 प्लस V2 और ए आई। तो ए आर देखिए यहाँ से कितना आने वाला है, वी टू माइनस वी वन, तो 1 माइनस 2, 1 प्लस 2 और ये 3। देखिए इस 3 से ये 3 मर जाएगा, तो ए आर बराबर माइनस 1 आ जाएगा, क्लियर है? चलिए ए टी निकाल लीजिए, ए टी क्या होता था, 2 वी टू, वी वन प्लस वी टू और यहाँ पर ए आई। चलिए ए टी 2v2, 1 अपॉन 2 प्लस 1 और ये 3, 3 से 3 मर गया, at कितना आ गया 2। ar मिल चुका है, at मिल चुका है, k2 बस बचा है अपने पास, क्योंकि k1 तो वही रहने वाला है, ठीक है ना? k1 तो वही रहने वाला है, क्या चाहिए अपने को, केवल अपने को चाहिए k2 चाहिए अपने को। चलिए k2 हम लोग निकाल सकते हैं, पूछिए कैसे, देखिएगा v1 बराबर f लैम्डा 1, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज होती नहीं है, v2 बराबर f लैम्डा 2, फ्रीक्वेंसी चेंज होती नहीं है, डिवाइड कर दो जरा भैया, तो v1 बटे v2 बराबर लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2, यानी कि यहाँ से लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2 कितना आ गया है, v1 कितना है, v1 2 बटे 1 ये आ गया। अब देखिए, सिंस k बराबर
टू पाई बाई लैम्डा, ठीक है ना। तो देखिए के वन बराबर क्या होगा, टू पाई बाई लैम्डा वन, के टू क्या होगा, टू पाई बाई लैम्डा टू। तो अगर मैं के वन बटे के टू निकालूँ तो के वन बटे के टू क्या आने वाला है, लैम्डा टू बटे लैम्डा वन, और लैम्डा टू बटे लैम्डा वन कितना हो जाएगा, लैम्डा टू बटे लैम्डा वन, वन बाई टू। तो के वन बटे के टू बराबर वन बाई टू, तो यहाँ से क्या निकालेंगे, के टू बराबर टू के वन, तो के टू बराबर टू के वन, तो के टू बराबर टू, के वन कितना है टू, तो के टू बराबर चार। दिख रहा है यहाँ पर कि नहीं दिख रहा, एक मिनट रुकिएगा। अब दिख रहा है, के टू बराबर कितना आ चुका है, चार आ चुका है। अब देखिए अपना काम यहां से खत्म हो जाता है, अब केवल क्या रख देनी है, वैल्यू रख देनी है और आंसर मिल जाएगा। के टू बराबर कितना आ चुका है, चार आ चुका है। चलिए वैल्यू रख देते हैं, तो देखिए आंसर अब मैं यहां लिख रहा हूं वाई आर। तो क्या होता है वाई आर, अब देखिए यहां पर आपको देखिए ए आर आपका पहले से माइनस आ चुका है, तो अब आपको यहां माइनस एडिशनल लगाकर उसको प्लस करने की जरूरत नहीं है। तो माइनस का वन, वन लिख नहीं रहा हूं, साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा टी, या उसको आप लिख सकते हैं क्या, के एक्स जिस तरह लिखा था, प्लस ओमेगा टी, तो कितना हो जाएगा, टू एक्स प्लस फोर टी। क्लियर है। वाई टी, ए टी कितना आया है, टू, साइन क्या है आपका, के एक्स, के एक्स के टू एक्स क्या हो जाएगा, के टू एक्स माइनस ओमेगा टी, के टू एक्स माइनस ओमेगा टी। देखिए इस फॉर्म में लिख रहे हैं, मैंने वहां पर दूसरा लिख दिया है, के टू एक्स माइनस ओमेगा टी कर लीजिए इसे जरा, के टू एक्स माइनस ओमेगा टी, और ये क्या है, के वन एक्स माइनस ओमेगा टी, जिस फॉर्म में दिया उसी फॉर्म में लिख दे रहे हैं, के टू एक्स, तो यानी कि फोर एक्स माइनस 4t, 4x माइनस 4t, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है ना। इस तरह आप जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आपका काम क्या है, ar निकालना, at निकालना और सेकेंड मीडियम का k निकालना, सेकेंड मीडियम का k निकालना, ये आपका काम रहने वाला है। क्लियर है। चलिए नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए हम लोग अभी तक जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे प्रोग्रेसिव वेव, या उसी को बोलते हैं ट्रैवलिंग वेव। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो स्टैंडिंग वेव, या उसी को बोलते हैं स्टेशनरी वेव।
अब ये थोड़ा सा नया तरीका, नया कॉन्सेप्ट आने वाला है वेव का। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि वेव अगर आपको पढ़ना है तो SHM अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ जो है वो SHM से ही रिलेटेड है। क्या है भैया ये स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव चाहिए? तो पहली बात तो दो वेव्स चाहिए। कैसी चाहिए? जिनका एम्पलीट्यूड सेम हो, जिनकी फ्रिक्वेंसी सेम हो और वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो। तो लिख लीजिए जरा, व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम फ्रीक्वेंसी ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन सुपर इम्पोज टू ईच अदर स्टैंडिंग वेव्स फॉर्म्ड। अच्छा ये कहाँ पाई जाती हैं? इन स्ट्रिंग, जब नॉर्मल वेव की बात होगी, और जब साउंड वेव की बात करेंगे तो इन ऑर्गन पाइप, इन ऑर्गन पाइप। क्लियर है? देखिए इसकी हम लोग एनालिसिस जो करने वाले हैं वो दो तरीके से करने वाले हैं, एक डायग्राम के थ्रू और एक नॉर्मल मैथमेटिक्स के थ्रू, फॉर्मूले के थ्रू, ठीक है ना। तो देखिए ये डेफिनेशन को मैं हटा रहा हूँ क्योंकि अब यहाँ पर मुझको एक टेबल बनानी है। चलिए देखिए होने क्या वाला है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। एक वेव जैसे मान लीजिए दोनों एंड क्या होने चाहिए? फिक्स। अब एक वेव आपने भेजी यहां से, अब ये यहां से रिफ्लेक्ट हुई, अब ये यहां से चली, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या हुई? सुपर इम्पोज हुई, और ये दोनों सुपर, अब फिर ये आएगी, फिर यहां से रिफ्लेक्ट होगी, फिर यहां से रिफ्लेक्ट होगी, यानी कि ये दो बाउंड्री के बीच में वेव हमेशा क्या रहेगी? रुकी हुई रहेगी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव, ठीक है ना। यानी कि एक इंसिडेंट और एक रिफ्लेक्टेड, कुछ भी ट्रांसमिशन नहीं होने वाला है। क्लियर है? चलिए तो आप जानते हैं कि जब ऐसी कंडीशन आती है सुपर इम्पोज की, जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है? y1 + y2। चलिए इस तरफ मैं लिख रहा हूँ t, इस तरफ मैं लिख रहा हूँ yi, इस तरफ मैं लिख रहा हूँ yr, और इस तरफ मैं लिख रहा हूँ y net। क्लियर है? चलिए ठीक है ना। देखिए yi आप जानते हैं क्या होता है? a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। वाई आर क्या होता है? माइनस का ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। और वाई नेट क्या होने वाला है? वाई वन यानी कि वाई आई प्लस वाई आर। क्लियर है? चलिए डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू जो वाई नेट की आने वाली हैं वो हमको स्टडी करनी है, वो हमको स्टडी करनी है। चलिए 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 पहला, जब t क्या हो? जीरो। जब t जीरो होगा तो वाई आई कितना आने वाला है? t जीरो रख दीजिए तो a साइन माइनस के एक्स, a साइन माइनस के एक्स, तो a साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो ये कितना आ जाएगा? माइनस
बाहर और ए साइन के एक्स। टी जीरो रखिए तो माइनस ए साइन के एक्स, तो वाई आर भी कितना आ गया माइनस ए साइन के एक्स, तो वाई नेट जो है, वाई नेट जो है वो भी कितना आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 2a साइन के एक्स। क्लियर है? चलिए अब t बराबर रखना है t बाई फोर, t बाई फोर। तो देखिए t बाई अगर मैं 4 रख दूंगा यहाँ तो देखिए क्या आने वाला है, ध्यान से देखिएगा, a साइन ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी, तो 2 पाई बाई टी और ये टी बाई फोर माइनस का के एक्स। देखिए टी से टी कैंसिल, 2 पाई बाई टू, ए साइन पाई बाई टू, ए साइन पाई बाई टू, पाई बाई टू माने 90, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ए कॉस के एक्स, ए कॉस के एक्स। इस तरह यहाँ देख लीजिए तो माइनस का ए साइन ओमेगा टी की जगह रखेंगे तो क्या फिर से वही आने वाला है पाई बाई टू प्लस के एक्स, तो ये भी कितना आने वाला है माइनस ए कॉस के एक्स। अब इन दोनों को ऐड करिए तो वाई नेट अब यहाँ कितना मिलने वाला है जीरो। क्लियर है ना? ये किसके लिए था? जीरो के लिए। ये किसके लिए है? टी बाई फोर के लिए। अब टी बाई टू, चलिए टी बाई टू, तो ए साइन टू पाई बाई टी, टी बाई टू माइनस का के एक्स, यानी कि कितना हो गया ये 2 पाई हो गया क्या, नहीं सॉरी पाई हो गया क्या, 2 से 2 मरा, टी से टी मरा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाता है साइन थीटा, तो ये कितना आ गया ए साइन के एक्स, कितना आ गया ए साइन के एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे समझ से आप लोगों को नहीं होगी, ए साइन के एक्स। चलिए इधर आ जाइए, यहाँ देखिए क्या होगा, इधर आएगा माइनस का ए साइन पाई प्लस के एक्स, तो ये कितना होता है माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो ए साइन के एक्स। तो यहाँ पर जो वाई नेट है वो कितना हो जाएगा प्लस का 2a साइन के एक्स। ये किसके लिए हो गया? टी बाई टू के लिए हो गया। अब क्या आएगा आपके पास 3t बाई फोर, 3t बाई फोर आने वाला है कि नहीं, चलिए फिर से इसको भी रख दीजिए। तो अब देखिए पहले साइन जीरो था, फिर 90 हुआ, फिर 180 हुआ, अब 270 होने वाला है। तो देखिए ए साइन यहाँ देखिए कितना आ जाएगा 3 पाई बाई फोर आएगा, देखिए 2 पाई बाई टी है, 3 टी बाई फोर रखोगे तो 3 पाई बाई कितना आ जाएगा, देखिए 3 पाई, चलिए 3 पाई बाई टू आएगा मेरे समझ से, तो 3 पाई बाई टू 180, 18 ती 54 और 54 में 2 से डिवाइड किया 27, हाँ 270 इतना आ गया। ठीक है, अब बताइए क्या होता है ये साइन 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा भैया, माइनस का a कॉस के एक्स, माइनस का a कॉस के एक्स। इधर आ जाइए, यहाँ भी वही होने वाला है लेकिन यहाँ माइनस एक पहले से लगा है, साइन 3 पाई बाई टू प्लस के एक्स, तो अब ये क्या आ जाएगा प्लस का ए कॉस के एक्स। जब यहाँ वाई नेट निकालने जाएंगे तो वाई नेट क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। क्लियर है? चलिए लास्ट देख लेते हैं, वाई टी बराबर टी के लिए, जब टी बराबर क्या है कैपिटल टी, जब कैपिटल टी होगा तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैपिटल टी रख दीजिए, कैपिटल टी तो कितना आने वाला है 2 पाई आने वाला है ना ए साइन 2 पाई माइनस के एक्स, तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा माइनस का ए साइन के एक्स, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा माइनस का ए साइन के एक्स, माइनस का ए साइन के एक्स, और यहाँ वाई नेट कितना आने वाला है फिर से माइनस का 2a साइन के एक्स। अब ज़रा अगर आप ध्यान से देखें तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो कहाँ से कहाँ फ्लक्चुएट कर रहा है, माइनस 2a साइन के एक्स से प्लस 2a साइन के एक्स, बीच में उसकी वैल्यू कितनी है जीरो। क्लियर है ना? चलिए अगर अब मैं इनके करेस्पॉन्डिंग वेव्स बनाना चाहूँ, अगर मैं इसके करेस्पॉन्डिंग वेव्स बनाना चाहूँ वाई और एक्स के लिए, तो बताइए वेव्स कैसी बनेंगी, बता सकते हैं क्या वेव्स कैसी बनने वाली
हैं। तो चलिए एक बार बना कर देखते हैं। चलिए तो ये t बराबर किसके लिए है, जीरो के लिए, इधर x और इधर y नेट, कहाँ पर है ये, t बराबर जीरो पर। चलिए कोई दिक्कत नहीं, t बराबर जीरो पर देखिए ये कैसे जा रहा है, नेगेटिव पर है ना, साइन है तो यहाँ जीरो होता है, फिर यहाँ आपने क्या माना है t बाई फोर, फिर यहाँ t बाई टू, फिर यहाँ 3t बाई फोर और फिर यहाँ t। तो ये क्या ऐसे बनेगा, देखिए ऐसे जाएगा क्या, एक बार समझिए जरा, निगेटिव से शुरू है ना, कहाँ से शुरू है, निगेटिव से शुरू है ना, तो ये कैसे जाएगा, इसी तरह, क्लियर है, ठीक है। इसको भी पूरा कर लीजिए, एक ये पार्टिकल, एक ये, एक ये, एक ये, ये क्या है टी बाई फोर, टी बाई टू, गलत तो नहीं हो रहा, एक बार फिर से, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, एक बार फिर से मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर इसी तरह बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखते हैं किसके लिए, t बराबर t बाई फोर के लिए। चलिए x है, यहाँ y नेट है, इसको जरा थोड़ा सा इसी के नीचे बनाइएगा, बिल्कुल इसी के बिल्कुल नीचे, ये इसको इसके बिल्कुल नीचे, ठीक है, ये क्या है y नेट, कहाँ के लिए है t बराबर t बाई फोर के लिए। देखिए एक पार्टिकल ये था, एक पार्टिकल ये था, एक पार्टिकल ये था, एक पार्टिकल ये था, क्लियर है ना। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है y नेट का, जीरो चाहे x की कुछ भी वैल्यू आए, क्या है जीरो चाहे x की कुछ भी वैल्यू आए, ये क्या है जीरो, ये क्या है जीरो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं किसके लिए, टी बाई टू के लिए, टी बाई टू, चलिए ये है आपका टी बाई टू, इस पॉइंट के नीचे ये पॉइंट, 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 क्लियर है, ये क्या है आपका वाई नेट टी बराबर टी बाई टू के लिए। तो देखिए ये पॉजिटिव वैल्यू है ना, ये देखिए ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो अब कैसे जाएगा ये, अब कैसे जाएगा, कैसे जाएगा बताओ, इस बार अब पॉजिटिव से जाएगा ना, इस बार ये कैसे जाएगा पॉजिटिव से, कुछ गड़बड़, हाँ कुछ गड़बड़ हो गई, क्या गड़बड़ हो गई, क्या गड़बड़ हो गई, नहीं कोई गड़बड़ नहीं है, सही है बिल्कुल, कोई गड़बड़ नहीं है, ऐसे ठीक सही। चलिए अब देखिए किसके लिए मुझे बनाना है, 3t बाई फोर के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने बनाया ऐसे ऐसे, ये x है, ये y नेट है किसके लिए, 3t बाई फोर के लिए, ठीक है ना, क्या है जीरो है ना। चलिए ये जीरो, ये पॉइंट यहाँ पर ये है, ये पॉइंट यहाँ पर है, ये पॉइंट यहाँ पर है, ये पॉइंट यहाँ पर, चलिए लास्ट और क्या है ये y नेट किसके लिए, t के लिए, ठीक है ना। तो एक पॉइंट आपका ये था, एक पॉइंट आपका ये था, एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, माइनस का है, तो जिस तरह ऊपर वाला ग्राफ बना है उसी तरह ये भी बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए तो नीचे से जाएगा ऐसे 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 और फिर ये ऐसे। अब थोड़ा समझिए कि ये हुआ क्या, किन्हीं भी दो ब्लॉक्स को ले लीजिए, किन्हीं भी दो ब्लॉक्स को ले लीजिए, ठीक है ना, ये वाला नीचे था, ये वाला ऊपर था, ये ऊपर आया मतलब मेन पोजीशन पे आया और ये नीचे आके मेन पोजीशन पर आया, फिर ये ऊपर चला गया ये नीचे चला आया, फिर ये नीचे आया ये ऊपर आया मेन पोजीशन में आए, फिर ये नीचे गया फिर ये ऊपर आया, मतलब ये अगर मेन पोजीशन है और ये टॉप पोजीशन है और ये बॉटम पोजीशन है, तो क्या ये SHM नहीं हो रहा, पहले ये ऊपर था फिर ये बीच में आया, देखिए इस किसी एक को पकड़ लीजिए,
इसको नीचे वाले को पकड़ लीजिए, पहले ये नीचे था, फिर ये कहाँ बीच में आया मीन पोजीशन में, फिर ये ऊपर गया, फिर ये मीन पोजीशन में आया, फिर ये नीचे गया, फिर ये यहाँ आएगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो एक फिक्स्ड पोजीशन के अबाउट ये क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। केवल ये बस नहीं कर रहा, हर कोई कर रहा है, लेकिन कुछ स्पेशल पार्टिकल्स हैं यहाँ पर, कुछ स्पेशल पार्टिकल्स हैं, कौन वाले, ये वाले, ये वाले पार्टिकल्स, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, देखिए यहाँ देखिए ध्यान से, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल और ये पार्टिकल, इसी तरह ये देखिए, ये वाला, इन पार्टिकल की कुछ खास बात है, क्या खास बात है, चाहे टाइम पीरियड जो कुछ भी हो, इन पार्टिकल की पोजीशन क्या है, हमेशा मीन पोजीशन है, यानी कि इनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा क्या है, जीरो। तो ऐसे जो पार्टिकल्स हैं आपके, ऐसे जो पार्टिकल्स हैं वो नोट्स कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, नोट्स। नोट्स क्या हैं, ऐसे पार्टिकल जिनका डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो हो, चाहे टी की वैल्यू कुछ भी हो। देखिए टी की तमाम वैल्यू आपने चेंज की, लेकिन ये जो पार्टिकल्स थे इनका, इनका जो क्या था, नेट डिस्प्लेसमेंट था, वो हमेशा क्या था, जीरो। अच्छा, कुछ और भी स्पेशल पार्टिकल्स हैं, जैसे यहाँ वाला, जैसे यहाँ वाला, जैसे यहाँ वाला, जैसे यहाँ वाला, जैसे मतलब इसको यहाँ वाला कहना चाहिए, जैसे यहाँ वाला, यहाँ वाला, इनका डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैक्सिमम है, इनका डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैक्सिमम है, तो इन्हें क्या कहते हैं, एंटी नोड्स या एंटी नोड्स, जिनका डिस्प्लेसमेंट क्या हो, मैक्सिमम हो, डिस्प्लेसमेंट इनका क्या है, मैक्सिमम है, तो ये क्या है, नोट्स हैं। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अगर मुझे दो नोट्स के बीच की डिस्टेंस देखनी हो, तो आप जानते हैं कि ये कंप्लीट साइकिल की जो लेंथ होती है, वेवलेंथ, वो कितनी होती है, लैम्डा। सेम फेस में इन ये दोनों पार्टिकल हैं, कितनी डिस्टेंस होगी, लैम्डा, तो यानी कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, लैम्डा बाई टू, ये डिस्टेंस भी लैम्डा बाई टू, तो किन्हीं दो नोट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू। इसी तरह दो एंटी नोट्स देख लीजिए, मतलब ये टॉप पर है और ये टॉप पर है, तो ये डिस्टेंस भी कितनी है, लैम्डा बाई टू, ठीक है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोट्स कितनी होती है, लैम्डा बाई टू, और डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोट्स कितनी होती है, लैम्डा बाई टू, ठीक है ना। अच्छा, अगर नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस देखनी हो, तो क्या लैम्डा बाई फोर होगी, देखिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस लैम्डा बाई फोर, तो नोड टू एंटी नोड लैम्डा बाई फोर। अभी तक हमने जो कुछ भी देखा वो केवल किस पर देखा, इस कॉन्सेप्ट पर, डायग्राम के बेस पर, अभी हमने इसकी मैथमेटिकल एनालिसिस नहीं की है। मैथमेटिकल एनालिसिस भी करेंगे और देखेंगे कि जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट बिल्कुल क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। क्लियर है ना। चलिए, तो जरा इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से।
तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एंटी नोड्स पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है और नोड्स पर डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होता है, मतलब जीरो होता है। ठीक है ना, दिख रहा है नीचे तक सबको? चलिए तो आगे बढ़ें, इसको मिटा दिया जाए। चलिए तो याद रखिएगा, स्टैंडिंग वेव्स में क्या हो रहा है? SHM हो रहा है। स्टैंडिंग वेव्स के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? SHM। चलिए तो थोड़ा सा ये नोट्स वाला जो डायग्राम है इसको और थोड़ा सा बड़े से देख लीजिए, ठीक है ना? दो बना देता हूँ, ठीक है ना? ये मान लीजिए क्या है आपका, ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए, इसी को देख लीजिए, तो देखिए ये क्या है और ये, और ये क्या है? ये एंटी नोड्स। ये क्या है आपका? नोड, और ये नोड। अब आप जानते हैं कि ये पूरी डिस्टेंस कितनी होती है आपकी, यहां से मान लीजिए कहां तक की, यहां तक की कितनी है? ये लैम्डा, ठीक है ना? तो देखिए ये डिस्टेंस कितनी हुई, लैम्डा बाई टू, ये कितनी हुई, लैम्डा बाई टू, और ये कितनी हुई यहां से यहां तक की, लैम्डा बाई फोर। क्लियर है? या यहां से यहां तक अगर देखूंगा तो देखो लैम्डा बाई फोर ये और लैम्डा बाई फोर ये, ठीक है ना? तो ये भी कितनी हो गई, लैम्डा बाई टू। क्लियर है? तो एंटी नोड्स लैम्डा बाई टू, नोड्स से नोड्स लैम्डा बाई टू, नोड से एंटी नोड लैम्डा बाई फोर। क्लियर है ना? फिर समझ लीजिएगा, नोड टू नोड लैम्डा बाई टू, एंटी नोड टू एंटी नोड लैम्डा बाई टू, नोड टू एंटी नोड लैम्डा बाई फोर, वेयर लैम्डा इज वेवलेंथ। वेवलेंथ कल बताया था, सेम फेज में ऑसिलेशन करने वाले दो कॉन्सिक्यूटिव पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है? वेव लेंथ। क्लियर है ना? चलिए अब जरा इसी को देख लेते हैं किसमें, मैथमेटिकल फॉर्म में, कि क्या ये कंडीशंस वहां भी आ रही हैं, ये सब चीजें हमको मैथमेटिकली मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? तो बिल्कुल मिलेंगी। चलिए देखते हैं, चलिए तो देखिए, y इंसिडेंट क्या है आपका, a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, यही है या के एक्स माइनस ओमेगा t, जो लेना हो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ओमेगा t माइनस के एक्स ही ले लीजिए। y रिफ्लेक्टेड तो क्या हो जाता है यहां पर, माइनस a साइन ओमेगा t प्लस के एक्स। तो भैया y नेट क्या होगा जरा बताएंगे क्या? y नेट होगा वाई आई प्लस वाई आर, लिख लीजिए जरा इसको। तो देखिए ए साइन ओमेगा टी प्लस सॉरी माइनस के एक्स, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ना होगी, ए को बाहर ले लीजिए, क्या बचा, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इधर क्या बचा, माइनस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स।
साइन सी माइनस साइन डी, ये क्या है सी और ये क्या है साइन सी माइनस साइन डी, तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, ठीक है ना, क्या आता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, तो सी प्लस डी करो भैया जरा, सी प्लस डी करिए जरा, तो सी प्लस डी, सी प्लस डी, तो माइनस के एक्स उड़ा, ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी, टू ओमेगा टी, डिवाइड भी किससे करना है टू से, तो क्या गया ओमेगा टी, फिर क्या आता है साइन सी माइनस डी, सी माइनस डी करेंगे तो इस बार क्या बचने वाला है टू के एक्स, और टू के एक्स बचेगा, फिर टू से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा के एक्स आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छा साइन के एक्स का आएगा क्या, नहीं माइनस का टू के एक्स आएगा, तो साइन माइनस के एक्स और एक माइनस कहां चला जाएगा, ये साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं आप, किस तरह लिख सकते हैं कि माइनस का टू ए साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, ये क्या है आपका नेट डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए इस नेट डिस्प्लेसमेंट में कुछ खास बात है, खास बात क्या है, अभी तक जो आप लोगों ने नॉर्मली वेव के इक्वेशन पढ़े थे वो इस तरह पढ़े थे ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स या ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये पूरा जो साइन के साथ लिखा होता था ये क्या होता था फेज, और ये क्या होता था एम्पलीट्यूड, लेकिन ये स्टैंडिंग वेव्स में ऐसा नहीं है, स्टैंडिंग वेव्स में ये जो पूरी चीज है ये यहां तक की ये क्या है एम्पलीट्यूड और ये क्या है फेज, फेज क्या है केवल ओमेगा टी, ये पूरा क्या है एम्पलीट्यूड, याद करिए यही चीज तो आप निकाल रहे थे बार बार, टू ए साइन के एक्स माइनस टू ए साइन के एक्स जीरो, क्लियर है ना, तो ये एम्पलीट्यूड है आपका और ये क्या है आपका फेज है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है बढ़िया है। अब अगर मुझे नोट्स और एंटी नोट्स को देखना हो, क्या देखना हो नोट्स और एंटी नोट्स को देखना हो, तो चलिए नोट्स के लिए, तो नोट्स के लिए आप जानते हैं कि वाई नेट क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए, अच्छा वाई नेट जीरो कर लीजिए तो ये टू ए साइन के एक्स क्या होने वाला है जीरो होने वाला है, तो टू ए साइन के एक्स जीरो, ये जीरो कब होगा भैया जब क्या होगा साइन के एक्स बराबर क्या हो जाए आपका, देखिए साइन के एक्स जीरो, साइन कब जीरो होता है जीरो पर, यानी कि यहां इस तरह लिखना है जीरो पर, और कहां होता है बताइए जरा, जीरो साइन जीरो, साइन जीरो जीरो होता है, और बताइए साइन पाई फिर क्या टू पाई फिर क्या थ्री पाई फिर क्या फोर पाई, तो जीरो पाई टू पाई थ्री पाई फोर पाई, अच्छा ठीक है ना, हमको वो किसके टर्म में निकालना था लैम्डा के टर्म में, ठीक है ना, तो के क्या होता है आपका टू पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स बराबर क्या है जीरो पाई टू पाई थ्री पाई फोर पाई, चलो पाई से पाई मरेगा तो पहला तो क्या आएगा यहाँ पर देखिए एक्स बराबर जीरो, इसके केस में देखिए सब जीरो हो जाएगा, फिर इसके केस में देखिए पाई से पाई मारा लैम्डा इधर गया टू इधर आया तो लैम्डा बाई टू, फिर देखिए टू पाई में क्या होगा दोनों मर जाएंगे क्या जाएगा लैम्डा, फिर कितना आने वाला है देखिए थ्री पाई में देखिए तो क्या थ्री लैम्डा बाई टू, ठीक है ना, फिर इसी तरह कितना आएगा देखिए फोर में क्या हो जाएगा थ्री लैम्डा बाई टू के बाद ये क्या हो जाएगा टू लैम्डा, इसी तरह आगे बढ़ता चला जाएगा। अब किन्हीं भी दो के बीच निकालिए जरा लैम्डा बाई टू माइनस जीरो लैम्डा बाई टू लैम्डा माइनस लैम्डा बाई टू, भाई ये फर्स्ट आपका नोड है, फर्स्ट नोड सेकेंड नोड थर्ड नोड फिर ये फोर्थ नोड ये फिफ्थ नोड, जरा इन दोनों के बीच देखिए लैम्डा बाई टू माइनस जीरो लैम्डा बाई टू लैम्डा माइनस लैम्डा बाई टू लैम्डा बाई टू थ्री लैम्डा टू माइनस लैम्डा कितना हो गया लैम्डा बाई टू, इसी तरह इसमें इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा लैम्डा बाई टू, मतलब किन्हीं भी दो नोड्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है लैम्डा बाई टू। एंटी नोड्स देख लो, एंटी नोड्स वाई नेट को क्या होना है भैया मैक्सिमम, वाई नेट को क्या होना है मैक्सिमम, मैक्सिमम कब होगा भैया जब साइन के एक्स क्या होगा साइन के एक्स क्या होगा
मैक्सिमम, तो यानी कि kx क्या होगा, kx के बारे में बताइए जरा, क्या पाई बाई टू पे? बिल्कुल, साइन 90 कितना होता है? साइन 90 होता है 1, यानी कि मैक्सिमम। तो हमें क्या देखना है, मैक्सिमम, फिर पाई बाई टू के बाद क्या आने वाला है, 3 पाई बाई टू 270, फिर 5 पाई बाई टू, फिर 7 पाई बाई टू। चलो k की जगह क्या रखना है, 2 पाई बाई लैम्डा, इधर x, यहाँ क्या है पाई बाई टू कामा 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, 7 पाई बाई टू। चलिए अब x देखिए, पाई बाई टू, पाई बाई टू, तो देखिए x से, सॉरी पाई से पाई मरा, ये x इधर गया लैम्डा और 2 इधर गया, तो लैम्डा बाई 4, 3 पाई बाई 4 देख लीजिए जरा सा, 3 पाई बाई 2 देख लीजिए, पाई से पाई मर गया, लैम्डा इधर गया, तो 3 लैम्डा बाई 4, इसी तरह यहाँ पे 5 लैम्डा बाई 4 हो जाएगा और यहाँ 7 लैम्डा बाई 4 हो जाएगा। अच्छा जरा किन्हीं भी दो के, ये क्या है फर्स्ट एंटी नोड, सेकेंड थर्ड फोर्थ, जरा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालिए, जरा 3 लैम्डा बाई 4 में से लैम्डा बाई 4 करिए, एलसीएम 4 आया, 3 लैम्डा माइनस लैम्डा 2 लैम्डा बाई 4 यानी कि लैम्डा बाई 2, यानी कि डिस्टेंस कॉन्सिक्यूटिव अभी भी क्या है लैम्डा बाई 2, ये कितना है लैम्डा बाई 2, ये कितना है लैम्डा बाई 2, ये कितना है लैम्डा बाई 2, इसी तरह ये कितना है लैम्डा बाई 2, ये कितना है लैम्डा बाई 2, ये कितना है लैम्डा बाई 2। यही तो हम लोगों ने देखा था अभी तक, कुछ नया तो देखा नहीं, यही चीज़ हम लोगों ने अभी भी देखी थी। तो मैथमेटिकली भी वही है और जो हमने डायग्राम से देखा था वो भी है। अभी तक जो हमने बात की वो किसकी बात की, फिक्स्ड एंड की। अब हम लोग नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, फ्री एंड की। अभी तक हमने किसकी बात की थी, फिक्स्ड एंड की, जहां पर ये क्या हो जा रहा था, माइनस हो जा रहा था, ठीक है ना, क्योंकि फिक्स्ड एंड में क्या आता है पाई का फेस चेंज। अब हमें किसके लिए देखना है, फ्री एंड के लिए, तो वो हम लोग देखेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में, मंडे को जब भी मिलेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट। चलिए धन्यवाद।